हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। आज मैंने आलू और मेथी की सब्ज़ी बनाई है। बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है आलू और मेथी का, बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनी है। आप चिंता ना करें, बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं बनाएंगे आलू और मेथी की सब्ज़ी, और इसे मैंने सर्व किया है गर्मा गर्म रोटी के साथ। तो यहाँ मैंने लिए हैं आलू, आधा किलो आलू में छिलकर कट कर लिए हैं। यह है लहसुन 2 स्पून है, इसे भी हमने कट कर लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। और यहाँ है ग्रीन चिली, 2 ग्रीन चिली को मैंने कट किया है बारीक बारीक। और यहाँ है 300 ग्राम के लगभग मेथी, जिसे मैंने अच्छे से वॉश किया, क्लीन किया और फिर चॉप कर लिया है। और यहाँ एक पैन को हम रखते हैं फायर पर और शुरू करते हैं रेसिपी को। तो पैन के अंदर हमने लिया है 2 चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्पून जीरा और इसे होने देंगे पॉपअप। जैसे ही जीरा तड़क जाता है अच्छे से, इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन। लहसुन जो है उसका क्रंच इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो डालें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप लहसुन यानी कि गार्लिक नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और लहसुन को हम करेंगे ब्राउन यानी कि गोल्डन। इस सारी रेसिपी को बनाने में हमें लगेगा अराउंड 10 मिनट, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। और गोल्डन होने के बाद हमने इसमें डाल दिया है ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली के बाद अब जाता है आलू यानी कि पटेटोस। आलू को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक इस पर टेस्ट, और ये है हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर 1/2 स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट के लिए हम कुछ इसी तरह से इसे पका लेंगे। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे, और ढककर के हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। और सिर्फ 2 से मिनट हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। 2-3 मिनट के बाद ये जो है आलू, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ हम चेक कर लेते हैं एक बार आलू को, ये जो नीचे चिपक रहा है आलू लगा हुआ है, इससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर। ये पोटैटोस अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, ये है रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप माइंड में ही रखें कि हमने यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड किया था। इसे हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे मेथी। ये जो मेथी है ये हमने कट कर लिया था। और अब हम इसे पकाने वाले हैं चलाते हुए बिना ढके मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पर आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें जब तक कि मेथी सॉफ्ट ना हो जाए। 2-3 मिनट में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और हमारा आलू मेथी बनकर रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है आलू कहीं पे चिपका हुआ है, उसे हम खुरच कर बाहर निकालेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसके अंदर। फ्रेंड्स, पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, विंडो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे एक बार प्रेस कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ये देखें, इसे खुरच करके हम निकाल देंगे, ये जला नहीं है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है आलू मेथी के अंदर। तो इसे इस तरह से निकाल लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। आप चाहें कि कोई मैं नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, तो उसके लिए घंटी का बटन है उसे एक बार प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मेथी पक चुकी है, 1-2 मिनट हमने इसे अच्छे से कुक किया है, और अब हम इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।